कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भारत में तेजी से फैल रही है। नए केस के मामले में हर दिन रिकॉर्ड टूट रहा है। अप्रैल में पिछले साल सितंबर अक्टूबर जैसा हाल हो गया है। देश में 6 महीने बाद पहली बार रिकॉर्ड 81,000 से ज़्यादा नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। 24 मार्च से लगातार 50,000 से ज़्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 81,466 नए कोरोना केस आए और 469 लोगों की जान चली गई है। 50,356 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 1 अक्टूबर को 81,484 नए केस आए थे। वहीं बात करें तो कोरोना के नए स्ट्रेन के ब्रिटेन, साउथ अफ्रीकी और ब्राज़ील वेरिएंट के तो मामलों की तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले बुधवार को कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें एकदम से 327 नए मामले सामने आए, जो अब तक के सबसे ज़्यादा मामले हैं, जो डराने वाली खबर है। वहीं शुक्रवार को 110, शनिवार को 123, रविवार को 141 और सोमवार को 156, मंगलवार को 100 नए मामले सामने आए थे, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 1470 हो गई थी। वहीं बुधवार को 180 नए मामले आए, गुरुवार को 50 नए मामले और आज यानी कि शुक्रवार को फिर 100 नए मामले सामने आए, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 1700 से 1800 हो गई है। जहां पहले 5 या 10 नए स्ट्रेन के मामले सामने आ रहे थे, अब वो 50 और 100 से कम नहीं आ रहे, जो डराने वाली खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की आज शुक्रवार को ये जानकारी दी। इनमें से हर मरीज को संबंध राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में अलग अलग कमरों में रखा गया है। उनके करीबी संपर्क में रहे लोगों को भी पृथक रखा गया है। संपर्क में आए सहयात्रियों, परिवार में संपर्क में आए लोगों और अन्य का पता लगाने की व्यापक स्तर पर कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस खबर के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर दें। वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।